बाबूलोग मेगर वन टारगेरियन उर्फ मेगर द क्रूअल आयरन थ्रोन का तीसरा शासक था, जिसका जन्म 12 एसी में हुआ था और 48 एसी में मारा गया था, जो एगोन द कॉन्करर और विसेनिया टारगेरियन की औलाद थी और काफी मन्नतों और कोशिशों करने के बाद, झाड़ फूंक करने के बाद इसका जन्म हुआ था। जबकि एगोन द कॉन्करर और लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि विसेनिया कभी प्रेग्नेंट हो पाएगी, इससे हमें बच्चा भी मिलेगा। टारगेरियन हिस्ट्री का लंबा चौड़ा धांसू डिलडॉल दिखने वाला यह बंदा, जिसके कंधे काफी चौड़े थे, गर्दन मोटी थी, आंखें सस्पिशियस, बिल्कुल एंग्री लुक, और यह सॉलिड जेस्चर इसको एक ऑफेंसिव वॉरियर लुक देता था, जिसके नाम मात्र पर्सनालिटी देखकर ही लोगों की फटके हाथ में आ जाती थी। काफी क्रूअल था, बातचीत करने में ज्यादा भरोसा नहीं रखता था, सीधा एक्शन, छोटी सी गलती की भी धांसू से धांसू सजा देना चाहता था, जिससे कि नियम कानून बने रहे, गलती होने पर मौका ना देना, इसमें विश्वास रखता था। और इसने अपनी लाइफ में बहुत क्रूएलिटी मचाई, अपने ही फैमिली और अपने बच्चों तक को इसने जान से मारने में बिल्कुल नहीं सोचता था। वैसे तो सारे टारगेरियंस लो टेंपर्स होते हैं, लेकिन यह सबसे ज्यादा लो टेंपर का बंदा था, क्विक एक्शन एंड ब्रूटल ऑफेंस करता था, बचपन से ही काफी ब्रूटल, क्रूअल और शैतान मिजाज का बंदा था। जब मात्र 3 साल का बंदा यह हुआ, 3 साल की उम्र में यह पहुंचा, तो इसने तलवार क्लेम कर ली थी और 3 साल की उम्र में ही पहला मर्डर किया, एक बिल्ली को तलवार से काटकर, अपनी ही तलवार से काटकर। आगे चलकर जब यह 8 साल का हुआ तो एक नौकर या फिर ऑर्डिनरी मैन, जिसने सिर्फ इसे लात ही मारी थी, उसे चाकू घोंप कर बुरी तरीके से मार दिया था 8 साल की उम्र में ही। अर्ली एज में ही ट्रेनिंग और घुड़सवारी सीख गया था, जो अपने से बड़ों से कम्पीट करता था। शुरुआत से ही उग्र स्वभाव और लड़ाई मार काट में काफ़ी रुचि रखता था। जब यह 15 साल का हुआ तो किसी प्रतियोगिता में 3 स्किलफुल नाइट से भिड़ा और तीनों को ही हराया, और वहाँ से ये डिक्लेयर कराया गया अ नाइट, वो भी अपने फादर एगोन द कॉन्करर के द्वारा, मात्र 16 साल की उम्र में ही, और यंगेस्ट नाइट कहा गया ये टारगेरियन हिस्ट्री में या फिर वेस्टरॉस हिस्ट्री में। अर्ली एज में ही रॉयल बैटल्स में पार्टिसिपेट करने लगा, यानी रेबेलियंस के खिलाफ और कॉन्क्वेस्ट बैटल में भी पार्टिसिपेट करने लगा। लाइक 18 साल की उम्र में जायंट ऑफ ट्राइडेंट को हराया और टारगेरियन की तरफ से एगोन के बाद एक फाइन वॉरियर उभरता नजर आया। बंदा काफी डेडिकेटेड एंड फोकस्ड था। 24 साल तक कोई ड्रैगन क्लेम नहीं किया इसने। जब उसका बाप एगोन द कॉन्करर मरा है, तब जाके सिर्फ बलेरियन को क्लेम किया, क्योंकि बचपन से ही उसका डिजायर बलेरियन ड्रैगन था। एनीज वन दिमाग का तेज था, एगोन वन की दूसरी वाइफ का बड़ा बेटा यानी उसका हाफ ब्रदर, तो उसने मैगोर को अपना हैंड बना लिया ताकि वो बिजी रहे और रेबेल करने का उसका ख्याल ना आए, क्योंकि वो जानता है ही इज कैपेबल और क्रूअल तो वो है ही है। कुछ समय बाद तक जब उसकी फर्स्ट वाइफ सेर्सी हाईटावर से बच्चा नहीं हुआ, तो उसने दूसरी शादी कर ली एलिस हारोवे से, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती हुई, सबकी नजर में बहिष्कार हुआ। इसकी सेकेंड बीबी को भाई साहब हॉर्स कहा जाने लगा और किंग एनीज ने इसे 5 साल के लिए देश निकाला कर दिया, और फिर ये पेंटोस चला गया कुछ समय के लिए। पेंटोस जाने के 1 साल बाद एनीज की डेथ हो गई। तब विसेनिया उसकी माँ उसे वापस बुला के लाई, क्योंकि रास्ता खाली था, और उसने देर ना करते हुए थ्रोन पर अपना कब्जा ले लिया। जिसने भी अगेंस्ट जाने की कोशिश करी, उसे ऑन द स्पॉट गर्दन कटवा कर फैसला किया है। उसके बाद एक वॉरियर ट्रायल की मांग हुई कि लॉफुल ऐसे आप किंग नहीं बन सकते, तो उस बैटल में खुद पार्टिसिपेट किया बाकी के नाइट से लड़ने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए, खुद भी घायल हुआ और बाबा कौमा तक पहुंच गया, ये ऐसी नौबत आ गई इसकी। लेकिन इसी बीच जब उसकी सेकंड वाइफ को पता चला एलिस हॉरावे, तो ये वहां पेंटोस से वापस लौटती है और अपने साथ टियाना ऑफ टावर को लेकर आती है, जो मैगोर का पर्सनली ख्याल रखती है बहुत अच्छी तरीके से। और ड्यूरिंग द बैटल ऑफ द ग्रेट फॉग उसने तीसरी शादी टियाना से कर ली, जहां जिससे वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था, क्योंकि वो बहुत ख्याल रखती थी और काफी क्लोज आ चुकी थी। और यहां तक आते आते बच्चा भी नहीं हो रहा था, इसे लड़का चाहिए था, तो ये तीसरी शादी कर ली उसने। देन आफ्टर सम टाइम जब ओल्ड टाउन गया, तो वहां कुछ मैटर सॉल्व आउट करने के लिए, उसका भतीजा एगोन ने आयरन थ्रोन के लिए क्लेम करना चाहा, धावा बोलना चाहा, लेकिन बाबा उसने तुरंत ही सेना के साथ इन ए बैटल बीनीथ द गॉड्स आई में सारे रेविलियंस को चुटकियों में मसल दिया और अपने भतीजे एगोन को उसके ड्रैगन सहित बलेरियन से मार डाला, एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि और कोई दोबारा से ऐसे रेबेल ना कर पाए, रेबेलियन ना उठ पाए। एगोन 2 को बहुत दर्दनाक मौत दी, उसकी आंख में अपनी तलवार डार्क सिस्टर को घुसा कर मारा है, और यहाँ ये बंदा मैगोर द क्रूअल कहा जाता है। खैर, ये वाला सीन वो डांस ऑफ द ड्रैगन के डेमन और एमन से रिलेट नहीं हो रहा है, जहाँ पर भाई साहब गॉडसाई का शायद एक कर्स है, क्या है कि भाई गॉडसाई में चचा भतीजे ही लड़ेंगे, और भाई साहब आँख में तलवार घुसा के ही मारा जाएगा। और डार्क सिस्टर ने मेगर द क्रूअल के टाइम पर भी रोल प्ले किया, वही डार्क सिस्टर दोबारा से गॉडसाई में ही एमंड को मारते वक्त डेमन के लिए दोबारा से रोल प्ले करेगी। तो डार्क सिस्टर भाई साहब दो बार सेम जगह पर एक ही मौत देने वाली है, जो इस बार एमंड को दी जाएगी। डांस ऑफ द ड्रैगन में डेमन उसकी आँख में घुसा के मारता, लेकिन इस बार
जो अपनी डांस ऑफ द ड्रैगन्स में होगी उसमें कोई भी नहीं बचेगा, लेकिन इसमें मेगर द क्रूअल बच चुका था। आगे बढ़ते हैं भाई, ये बंदा टारगेरियंस का शाहजहां था। जब रेड कीप बनने